हेलो स्टूडेंट्स, चलिए हम बात करते हैं। मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन एक हमेशा होता है कि व्हाट इज़ द ब्लॉक डायग्राम ऑफ सीआरओ। इसके आंसर कैसे देने हैं? सबसे पहले आपको लिखना होगा व्हाट इज़ ऑक्सीलोस्कोप। तो चलिए समझते हैं ऑक्सीलोस्कोप क्या है। ऑक्सीलोस्कोप इज़ अ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट विच डिस्प्ले अ वोल्टेज वेव फ्रॉम एमंग द ऑक्सीलोस्कोप कैथोड रे ऑक्सीलोस्कोप। सीआरओ इज़ द बेसिक वन एंड इट्स डिस्प्लेज अ टाइम वेरिंग सिग्नल और वेव फ्रॉम। चलिए देखते हैं प्रैक्टिकली ये किस फॉर्म में है। ये हमारा डिस्प्ले है सीआरओ का। ये आ जाता है वेव फॉर्म। क्लियर है? तो ऑब्वियस सी बात है, हम क्या करते हैं, जैसा हमने पढ़ा कि ये डिस्प्ले करेगा डिस्प्ले अ वेव फॉर्म, तो ये आपको वेव फॉर्म शो करके दे दिखा रहा है। इसी की हम स्टडी करते हैं बेसिकली सीआरओ में। चलिए इसके ब्लॉक डायग्राम की बात करते हैं कि सीआरओ का फॉर्मेशन होता कैसा है। ये फिगर है हमारे सीआरओ के ब्लॉक डायग्राम का। कंसिस्ट बेसिकली क्या है, आंसर देना होगा तो क्या लिखेंगे कि कैथोड रे ऑक्सीलोस्कोप कंसिस्ट अ सेट ऑफ ब्लॉक्स। डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक्स होंगे। कौन कौन सा ब्लॉक है? ये हमारा पहला वर्टिकल एम्पलीफायर है, डिले लाइन है, ट्रिगर सर्किट है, टाइम बेस जनरेटर है, हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर है। ठीक है, यहाँ पे हमारे दो डिफरेंट प्लेट लगी हुई है। एक है वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट, एक है हमारा हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट। जो वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट है ये सीधे आपका डिले लाइन से कनेक्टेड है, और जो आपका हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट है ये सीधे इंटरकनेक्टेड है आपका वर्टिकल एम्पलीफायर से। यहाँ पे सीआरटी है, कैथोड रे ट्यूब है, और ये हमारा इलेक्ट्रॉन गन है। क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन गन से, इलेक्ट्रॉन गन है क्या, यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स स्टोर होते हैं। ठीक है, तो ये क्या करेगा, यहाँ से आपको इलेक्ट्रॉन एमिट करेगा। ठीक है, बिकॉज जैसे कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की बारिश होती है। वर्टिकल एम्पलीफायर क्या है? तो द एम्पलीफायर, हम इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं वर्टिकल एम्पलीफायर के। द एम्पलीफायर द इनपुट सिग्नल विच इज़ टू बी डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन ऑफ सीआरटी। तो जो वर्टिकल एम्पलीफायर क्या करेगा, यहाँ से हम इनपुट देंगे, यहाँ पे आपका इनपुट सिग्नल होगा बेसिकली। ठीक है, ये इनपुट सिग्नल। अब ये इनपुट सिग्नल कहाँ पे आएगा? वर्टिकल एम्पलीफायर में। अगर आपका सिग्नल कम है, ठीक है, तो वर्टिकल एम्पलीफायर क्या करेगा, आपके सिग्नल को इनक्रीज कर देगा। और ये डायरेक्टली कनेक्टेड किससे होता है? डिले लाइन से। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा कि डिले लाइन का कॉन्सेप्ट क्या है। ये डिले लाइन सीधे हमारा वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट से कनेक्टेड है। यहाँ से जो एम्पलीफायर है, ऑब्वियसली बात है, ये सीधे इंटरकनेक्टेड है ट्रिगर सर्किट से, टाइम बेस जनरेटर से और हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर से। ठीक है, बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो स्क्रीन है इसी स्क्रीन पे हम सिग्नल्स को ऑब्जर्व करते हैं। इस तरह के सिग्नल्स हमारे आते हैं, इनको हम क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। फिर इनके यहाँ पे हम जो वेव फॉर्म मिलता है उसको एनालाइज करते हैं, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को, जैसे एम्पलीट्यूड को एनालाइज करेंगे, फ्रिक्वेंसी को एनालाइज करेंगे, राइज टाइम को एनालाइज करेंगे, डिस्टॉर्शन को एनालाइज करते हैं, और टाइम इंटरवल को एनालाइज करते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे कि हमारा एनालिसिस क्या क्या होगा। तो सबसे पहले हम एनालाइज करेंगे एम्पलीट्यूड को। ठीक है, फिर हम एनालाइज करेंगे फ्रिक्वेंसी को। थर्ड पॉइंट हमारा होगा राइज टाइम, डिस्टॉर्शन, टाइम इंटरवल। इन सब चीजों को हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं इस सीआरओ में। फंक्शनिंग समझते हैं हर एक ब्लॉक डायग्राम का। जैसा मैंने ये बताया कि ये वर्टिकली एम्पलीफायर है, तो ये सिग्नल को क्या करेगा, एम्पलीफाई करेगा। अगर आपका शॉर्ट रेंज का सिग्नल है तो ये इसको एम्पलीफाई करके सिग्नल्स को हाई रेंज का कर देगा। ठीक है, तो एक नॉर्मल सा इसका रूल है कि जो वर्टिकल एम्पलीफायर होता है, यानी इट एम्पलीफाइज द इनपुट सिग्नल्स, याद रखिए इट एम्पलीफाइज द इनपुट सिग्नल्स।
विच इज़ टू बी डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन ऑफ सीआरटी। कैथोड रे ट्यूब के पे जो डिस्प्ले हो रहा है सिग्नल को, वो काम है हमारा वर्टिकल एम्पलीफायर का। डिले लाइन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। डिले लाइन, डिले लाइन क्या होता है? इट प्रोवाइड सम अमाउंट ऑफ डिले टू द सिग्नल विच इज ऑब्टेंड एट द आउटपुट ऑफ द वर्टिकल एम्पलीफायर। दिस डिले सिग्नल इज देन अप्लाइड टू वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स ऑफ सीआरटी। अब किस डिले की बात कर रहे हैं? जैसा हम इस फिगर में देख रहे हैं, ये डायरेक्टली कनेक्टेड किससे हैं? इस वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट से कनेक्टेड है। और उसका एक पार्ट किससे कनेक्टेड है? ये ट्रिगर सर्किट है, टाइम बेस्ड जनरेटर है, हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, इन दोनों के बीच में, इन दोनों प्लेटों के बीच में एक ही सिग्नल, जो सिग्नल है वो एक ही टाइम पे जाए, इस चीज़ का ध्यान देने के लिए हम क्या करते हैं? ये तो डायरेक्टली कनेक्टेड है, ये किससे कनेक्टेड है? थ्रू दिस डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक्स। तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो डिले लाइन है ये क्या करता है, यहाँ पे जो सिग्नल्स आ रहे हैं तक वो इस पॉइंट पे स्क्रीन पे दोनों एक ही टाइम पे पहुँचे, इसलिए हम क्या करते हैं? इस डिले लाइन का यूज़ करते हैं। ट्रिगर सर्किट क्या है? इट प्रोड्यूस ट्रिगिंग सिग्नल्स इन ऑर्डर टू सिंक्रोनाइज बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम। ये इंपॉर्टेंट है, जो ट्रिगर सर्किट है ये क्या करेगा, इसका प्रोड्यूसर्स होगा ट्रिगिंग सिग्नल्स इन ऑर्डर टू सिंक्रोनाइज विथ बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम, ठीक है। फोर्थ है टाइम बेस्ड जनरेटर। टाइम बेस्ड जनरेटर टोटली डिपेंड किस पे करता है? जो हमारा टाइम बेस्ड जनरेटर है, इट प्रोड्यूस्ड सॉटूथ सिग्नल्स। अब सॉटूथ सिग्नल्स किसके कहेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। सॉटूथ सिग्नल यानी इस तरह का जो वेव फॉर्म आपको मिलेगा ये होता है सॉटूथ सिग्नल्स, विच इज़ यूजफुल फॉर हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन बीम। ये किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है? ये देता है आपको हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन देता है इलेक्ट्रॉन बीम का, ठीक है। टाइम डिलेशन ऑब्वियस सी बात है, जैसा हम देख रहे हैं ये इसको ऑब्जर्व करते हैं, ये एक सिग्नल है, ये जैसे ही अपना एक पाथ कंप्लीट करेगा तो यहाँ पर रिपीटिशन ऑफ सिग्नल्स होंगे, कई सारे सिग्नल रिपीट होंगे। जब हम टाइम को डिवीजन को बढ़ा देंगे तो ये आपको एक वेव फॉर्म में मिलेगा, ये एक तरह का वेव फॉर्म मिल जाता है। अभी एक बेसिकली लाइन मिल रही है और जब हम इसी को अटैच कर देंगे तो ये आपको क्या मिलेगा, एक वेव फॉर्म मिलेगा, ठीक है। अभी तक हमने बात की कि हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन लाइन यानी इलेक्ट्रॉन बीम को बढ़ाएगा, अब हम बात करेंगे हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर क्या करता है। तो ये कनेक्ट करता है हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट ऑफ सीआरटी को, ठीक है। जैसा हम रूल जानते हैं पावर सप्लाई का, तो पावर सप्लाई क्या करता है हमें, ये इट प्रोड्यूसेस बोथ हाई एंड लो वोल्टेजेस, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है ये दोनों टाइप के वोल्टेजेस आपको प्रोड्यूस करेगा, यानी निगेटिव हाई वोल्टेज भी मिलेगा और पॉजिटिव लो वोल्टेज आर अप्लाइड टू सीआरटी एंड अदर सर्किट रिस्पेक्टिवली, ठीक है। सीआरटी का बेसिकली रूल क्या है, जो कंस्ट्रक्शन है वो ये है कि इट इज़ मेजर इम्पॉर्टेंट ब्लॉक ऑफ सीआरओ एंड मेनली कंसिस्टेंट ऑफ फोर पार्ट्स, ठीक है। दोज आर इलेक्ट्रॉन गन, वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स, हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट्स एंड फ्लोरेंस स्क्रीन। ये जो बेसिकली जो स्क्रीन है वो है फ्लोरेसेंट स्क्रीन, ठीक है। जैसा अभी हमने बात किया मेज़र क्या करेंगे, तो मेज़रमेंट बाय यूजिंग सीआरओ, क्या किस तरह के मेज़रमेंट करते हैं? तो हम मेज़रमेंट ऑफ एम्पलीट्यूड, मेज़रमेंट ऑफ टाइम पीरियड, मेज़रमेंट ऑफ फ्रिक्वेंसी, मेज़रमेंट ऑफ राइज टाइम, ठीक है, डिस्टॉर्शन टाइम, टाइम इंटरवल, डिफरेंट जो भी चीज़ें हमें चाहिए हम उसको मेज़र करते हैं इसके ऑब्जर्वेशंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। थैंक यू।